मनोरमा मिश्रा, आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात। राजस्थान में आज कोरोना का महाविस्फोट, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 37 मौतें, 9046 नए पॉजिटिव केस आए हैं। निश्चित तौर पर यह चौंकाने वाली खबर और डराने वाली खबर, राजस्थान में आज कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 37 मौतें हो गई हैं, जबकि 9046 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये चिंता वाली बात। और आशुतोष शर्मा हमारे शो की ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आशुतोष, सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई कोरोना, 9046 नए पॉजिटिव केस और मौतें भी उसी तादाद में। देखिए बिल्कुल, आज राजस्थान में तमाम जो कोरोना के रिकॉर्ड हैं पिछले साल के वो टूट चुके हैं। राजधानी जयपुर में भी आज तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो टूट चुके हैं। सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश की बात करें तो आज 1484 जो केस हैं नए संक्रमित के वो जयपुर में, इसके बाद में 1265 जोधपुर में, कोटा में महाविस्फोट 1049 केस, उदयपुर की बात करें 783 केस जो है वो सामने आए। सबसे ज्यादा चिंता की जो बात है, लगातार मुख्यमंत्री अपनी हर समीक्षा बैठक में बात करते हैं, इस समय भी एक उच्च स्तरीय जो बैठक है वो सीएम की अध्यक्षता में चल रही है, सीएम आवास पर। उसमें भी ये जो मुद्दा है वो उठाया गया है कि लगातार जो मौतों की संख्या है वो बढ़ रही है और आज तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूट चुके हैं। 37 मौत 24 घंटे के अंदर दर्ज की गई है, जो कि एक भयावह तस्वीर बयां कर रही है राजस्थान की। और अब एक्टिव केसेस की बात करें, राजस्थान में ये 59,000 का आंकड़ा पार करते हुए 59,999 पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर हालात खराब बताएं तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये तमाम वो जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो पूरी तरीके से राजस्थान में जो कोरोना है वो अपने। आशुतोष, सवाल बड़ा ये भी है कि लगातार कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लगातार तमाम चीजें हुई, लगातार ये कहा गया कि चलिए कर्फ्यू के टाइमिंग में कुछ चेंज किया जाए, लेकिन समय बदला लेकिन जो आंकड़े हैं वो नहीं बदले हैं। आशुतोष, आंकड़े बदले हैं वो भी डराने वाले। देखिए, ये हमको व्यवहारिक तौर पे समझना होगा कि जो सख्त फैसले लिए गए हैं उनका जो असर है वो तकरीबन 7 दिन बाद देखने को मिलेगा, क्या कुछ ये ट्रेन में बदलाव आता है। जो सख्ती सरकार की तरफ से दिखाई गई है, पुलिस की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है, और एक जो भरोसे के साथ पूरी जनता से अपील की गई थी सीएम के स्तर पे, जनता उसको अगर मानती है तो आने वाले 7 दिनों के बाद में जो केसेस आएंगे उनका अगर आकलन किया जाएगा, उनका अगर विश्लेषण किया जाएगा, तब ये जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी, क्या जो हमने सख्त फैसले लिए उनका असर हुआ या नहीं हुआ। खास बात ये भी है कि आज जो एक बैठक चल रही है, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं हमारे राजस्थान के, उनसे जो बातचीत की जा रही है उसमें एक और बात सामने आ रही है, SMS मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, के एयरबॉर्न जो वायरस है उसकी भी कहीं ना कहीं अंदेशा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी जो रिसर्च है वो सामने आई है, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए कि हवा में अब संक्रमण फैल चुका है और इसलिए इतनी बड़े स्तर पर जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं। स्पष्ट बहुत हद तक सामने नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सामने आए जो बयां कर रहे हैं कि अब हवा में भी संक्रमण फैल चुका है। यानी कि अब संभलने की और सावचेत रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ये जो वायरस है लंग्स तक इंफेक्शन को पहुंचा रहा है और बहुत कम समय दे रहा है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स बॉडी में नहीं आ रहे हैं। तो लोगों को ये समझना होगा कि अब जो स्थिति है वो किसी डरावनी हो चुकी है, तो तमाम जो प्रोटोकॉल है, तमाम जो नियम है और तमाम जो सख्ती है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही है उनका अगर राजस्थान पालना करता है तो आने वाले दिनों में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। अन्यथा राजस्थान की जो तस्वीर है इससे भी ज्यादा डरावनी होगी, क्योंकि जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है RUHS का, वहां पे भी आज रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले साल जितनी संख्या में मरीज थे उससे कहीं ज्यादा संख्या में 800 का आंकड़ा वहां पे पार कर चुका है। सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के, उनकी बहुत ज्यादा जो किल्लत है वो देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो आसानी के साथ में नहीं मिल पा रहे, तो ये आंकड़े हम कहीं ना कहीं पैनिक। आशुतोष, एक बात तो तय है कि जिस तरीके से कोरोना के नए मामले लगातार सामने मिल रहे हैं, 9000 का आंकड़ा, मतलब अब 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं राज्य में, राज्य सरकार कितनी तैयार है? कल मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि जो हमारे आस पड़ोस के राज्य उनसे हम अच्छी सिचुएशन में हैं, लेकिन वो अच्छी सिचुएशन कब तक रहेगी? अगर इसी तरह के मामले बढ़ते रहे तो अस्पताल में कुव्यवस्था होगी ही, लोगों को परेशान होना ही पड़ेगा, अस्पताल कितने तैयार आने वाले समय के लिए? आशुतोष, देखिए, जहां तक धरातल की स्तर की जो तैयारियां हैं उनको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी अस्पतालों की, जहां पे कोविड का इलाज हो सके,
जहाँ तक राजधानी जयपुर की बात करते हैं तो अभी तक जो RUHS है वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन जयपुरिया को अधिगत कर लिया गया है। इसके साथ में ही भारत सरकार का जो जयपुर में ESI मॉडल हॉस्पिटल है उसको अधिगत कर लिया गया है। तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है, वहाँ पर भी अब जो मरीज हैं वो पहुँचने लग गए हैं। और जो रेमडेसिविर है उसकी कालाबाजारी ना हो सके इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यापक स्तर पे सप्लाई हो सके और ठीक तरीके से उसी मरीज को लगे जिसको वाकई में जरूरत है, रेमडेसिविर भी उसी मरीज को लगे जिसकी जरूरत है, ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। टेस्टिंग की सुविधा ज्यादा से ज्यादा हो सके इसकी सुविधा की जा रही है। क्वारंटीन फैसिलिटीज दोबारा से किस तरीके से मजबूत हो सके इसकी तैयारी की जा रही है। दो मुख्य भाग जो शासन सचिव हैं सिद्धार्थ महाजन और IAS वैभव गालरिया है, इनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। जयपुर की बात करें तो जो तमाम CMHO हैं, दोनों CMHO हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। और प्रदेश स्तर पे हर जिला स्तर पे जो CMHO हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अब जिम्मेदारी बड़ी है। सरकार अपनी मशीनरी के साथ में हर संभव कोशिश करेगी कि कोरोना को कंट्रोल किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जनता की, ये तमाम बातें जो कही जा रही है उनका पालन। बिल्कुल, जनता की जिम्मेदारी भी और जवाबदेहों की भी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना का महाविस्फोट आज राजस्थान में हुआ है, 9,046 केस, अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है, डराने वाला है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 37 मौत हुई है। तो राजस्थान में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है, 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,046 नए केस, जबकि 37 मौतें 24 घंटे में।